हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल से टीचरों की रिक्रूटमेंट आई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन जो पोस्ट आई हुई है, इन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल अपने आप को पाते हो तो यहां पे अप्लाई कर सकते हो। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बाय द वे, मैं आपको एक और बात बता दूं, पीडीएफ या फिर कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर आकर खुद से वेरीफाई करें। मेरे या किसी और यूट्यूब चैनल से अगर आप वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार जरूर देख लें, चेक कर लें कि सच में वैकेंसी आई है या नहीं। आपके एक एक रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक एक रुपए अगर लाख लोग दे देते हैं तो लाख रुपए जो है कोई ठग लेकर चला जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जो है फेक वेबसाइट जो है भी वो आ चुकी है मार्केट में, इसलिए अपने आप को बचा कर रखें। ये देखिए सीआरपीएफ की जो पब्लिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप बच्चों की फोटोज, स्कूल में जो अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम हुए हैं उसकी फोटोज आप यहां से देख सकते हो। बाय द वे, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग कि वैकेंसी जो है कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं, टीजीटी पीजीटी की कुछ पोस्ट आई हुई है, पीआरटी के लिए भी शायद है, वो भी देख लेंगे। म्यूजिक टीचर और डांस टीचर की भी रिक्रूटमेंट आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। आखिरी डेट है इसकी 12 अक्टूबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, देखो ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से देख लीजिए, CRPFPS पब्लिक स्कूल को शॉर्ट में लिखा है, ROHINI.org.in पर आप जाकर जो है खुद से वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से इनका मोबाइल नंबर भी आप देख लो, 011, मैं मोबाइल नंबर भी लिख देता हूँ, 2756623 05, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको मेरा लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ब्लैक से लिख दिया है, बट आप यहाँ से मोबाइल नंबर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इनको ऑफिस आर के टाइम में कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई सारी बातें। अब देखिए, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो तो आपको देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डेस्क दिख रहा होगा, ठीक है, इसी इन्फॉर्मेशन वाले डेस्क पर आपको क्लिक करना है एंड वैकेंसी। देखो फिर से यहाँ से जो है वैकेंसी दिख जाएगा आपको, और इस वैकेंसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड। देखो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, यहाँ से देखो ये रहा वैकेंसी के बारे में, इन्होंने डिटेल से सारी जानकारी दे रखी है। तो चलिए इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है प्राइमरी टीचर के रिगार्डिंग या फिर जो भी वैकेंसीज आई हुई है वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इस पीडीएफ को और इसे मैं एडोब पे खोल लूंगा। ये देखो ये फाइनली ओपन हो चुका है। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे कमेंट करके आप अपने जगह का नाम जरूर लिखें जहां से इस वीडियो को आप देख रहे हो, ताकि आपके आसपास के जिले से जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल, एडॉक या फिर प्राइवेट वैकेंसी हो, तो उसकी सूचना आपको दी जा सके। क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर कोई नई वैकेंसी नहीं आ रही है, बड़ी वैकेंसी नहीं आ रही, तो ऐसे में सर्वाइव करने के लिए आप अपने टीचिंग स्किल को बढ़ाने के लिए स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या फिर किसी भी स्कूल में जॉब कर सकते हो। तो देखिए एक एक करके जो वैकेंसी आई हुई है, टीजीटी के लिए देखिए साइंस, इंग्लिश और मैथ्स के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। क्या क्या प्रेफरेंस ये मांग रहे हैं, मैक्सिमम एज 40 साल तक मांगी है इन्होंने, मिनिमम एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने बैचलर्स की मांगी है, ऑनर्स पेपर आपका होना चाहिए, बीएड होना जरूरी है, सीटेट इज मैंडेटरी, सीटेट अगर आपने कर रखा है तो आप यहां से काम कर सकते हो, 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ये डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे देखिए, प्राइमरी टीचर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट है, साइंस, इंग्लिश और मैथ की रिक्रूटमेंट यहाँ भी है, एज क्राइटेरिया सेम रहेगा 40 साल। देखिए इन्होंने यहाँ पे बीएड को मान्यता दे रखी है, डीएलएड और बीएलएड भी इन्होंने मान्यता दे रखी है, सीटेट मैंडेटरी है, याद रखिएगा इस बात को, डिजायरेबल 2 साल का क्वालिफिकेशन चाहिए। म्यूजिक वैकेंसी और जो डांस टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है, यहाँ से देखो म्यूजिक के लिए, म्यूजिक से ऑनर्स आपने कर रखा है तो काम हो जाएगा, डांस के लिए क्लासिकल और वेस्टर्न दोनों के लिए इन्होंने मांगा है। अब देखिए जो सबसे बुरी बात यहाँ पे है, इंटरव्यू जो है शॉर्टलिस्टेड को ये बुलाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम फॉर्म जो है आपका, जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, रिसेप्शन से आप 150 रुपये में ले सकते हो, इसे फिल करना है और फिर 12 अक्टूबर को ही जमा कर देना है। अब ये स्कूल रिसेप्शन में जो है वहीं से आपको ये मिलेगा, स्कूल रिसेप्शन यानी कि जो सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली में है वहीं से आपको ये मिलेगा। अगर आप दिल्ली के आसपास से जॉब करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे न्यू दिल्ली में जहाँ भी ये स्कूल है वहाँ पे आपको आना होगा, इसलिए मैंने आपको पहले मोबाइल नंबर वगैरह बता दिया है। और दूसरी बात, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी रखी जाएगी या परमानेंट, या आप स्कूल डेस्क पे जाके पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा है, पहली बात। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, ये भी बात आपको जानकर रखनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट स्कूल है नहीं, ये क्या है, ये प्राइवेट बॉडी है जहाँ पे सीआरपीएफ के बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे या फिर छोटे जो भी वहाँ पे तैनात हैं उन
सभी के बच्चे की पढ़ाई यहाँ पे की जाती है, ठीक है। और जाते जाते फिर से बता दूँ, आप अपने जगह का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि जब भी वैकेंसी आए तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जा सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।